पत्रकार के सवाल पर क्यों आया गडकरी को गुस्सा, उंगली दिखाकर बोले फोकट का कुछ नहीं मिलेगा, वायरल हुआ वीडियो मच गया बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अगर कोई नेता आपसे वादा करता है कि जी हमें वोट देंगे तो हम आपको ये चीज फ्री में दे देंगे तो कितना अच्छा लगता है ना, और मिल भी जाती हैं चीजें। कई राज्यों की सरकारों को ऐसा करते हुए देखा गया है, कहीं पर फ्री बिजली है, पानी है, कहीं पर बस फ्री है, कहीं पर राशन है, कहीं पर कुछ है। कभी सोचा है जीवन में कुछ भी फ्री में मिलता है क्या? अपने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, परिवार, दोस्तों, कहीं पर भी देखिए, कभी फ्री में कुछ मिला है क्या? आपको नहीं लगता कि फ्री सिर्फ माया जाल है, इसके बदले आपको कुछ ना कुछ जरूर चुकाना पड़ता है, आज नहीं तो कल, आप नहीं तो आपके बच्चे ये फ्री वाली स्कीम का खामियाजा जरूर भुगतेंगे। देश में केजरीवाल जैसे नेताओं की तो कमी नहीं है, कहने का मतलब है कि फ्री में बहुत कुछ देने वालों की, लेकिन फिर नितिन गडकरी जैसे भी नेता है जिनसे किसी भी मीटिंग में, किसी भी मंच पर, किसी भी कार्यक्रम में फ्री की बात कर लो भड़क जाते हैं। साफ कहते हैं भैया यहाँ फोकट क्लास नहीं चलेगी, ये धंधा यहाँ बंद है, अच्छी सर्विस चाहिए तो पैसा दो। कई बार तो नितिन गडकरी को पत्रकारों तक की क्लास लगाते हुए देखा गया है। आज आपको गडकरी का ऐसा ही एक बयान सुनवाने जा रहे हैं। दरअसल गडकरी मोदी कैबिनेट में इकलौते ऐसे मंत्री हैं जो न सिर्फ सबसे ज्यादा काम करते हैं बल्कि जिनके मुरीद विरोधी दलों के नेता भी हैं। आपने गडकरी का नाम किसी विवादित बयान की वजह से नहीं बल्कि बेहतरीन काम को लेकर ही सुना होगा। सड़कों का जाल बिछा दिया है, कनेक्टिविटी अच्छी कर दी है, रोडवेज, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज सब जबरदस्त कर दिए हैं, लेकिन इन पर चलने के लिए आपको कई सारे टोल प्लाजा से होकर गुजरना पड़ता है, जाहिर है टोल भी देना पड़ता है। इसी को लेकर एक बार एक पत्रकार ने गडकरी से कह दिया कि सर पत्रकारों के लिए टोल फ्री कर दीजिए। गडकरी ने भी बिना देर किए कह दिया फोकट क्लास का मैं समर्थक नहीं हूँ, ये धंधा यहाँ बंद है, अगर आपको अच्छी सर्विस चाहिए तो आपको पे तो करना पड़ेगा, मैं भी ब्याज पर पैसा उठाता हूँ, हाईवेज बनवाता हूँ तो मुझे वापस भी तो करने हैं। आज आप आ जाइए, फिर स्वतंत्रता सेनानी, फिर महिलाएं, फिर विकलांग, मैं ये सब नहीं करता और झूठ में बोलता नहीं। सुनिए नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा। मैं ज्ञापन के माध्यम से आपसे अनुरोध करूंगा कि पत्रकारों को लिए नेशनल हाईवे पे टोल फ्री किया जाए। आपके दूसरी बात का उत्तर ऐसा है कि कभी भी ये पत्रकारों को या किसी को भी किसी प्रकार की सहूलत मैं कभी नहीं दूंगा। पहले सवाल का जवाब यह है, आपको ही नहीं और किसी को भी नहीं दूंगा। इसका कारण मंत्री महोदय, महाराष्ट्र में आपने किया है और मैंने कहीं नहीं किया, बहुत बड़ा बोझ नहीं होगा। कहीं नहीं किया और मैं करूंगा भाई, ठीक है। इसका कारण ऐसा है कि एक क्राइटेरिया शुरू होता है तो फिर स्वतंत्र संग्राम सैनिक है, फिर दिव्यांग है, फिर महिलाओं को विशेष आएगा, तो ये सब करते हैं कि देखो हमने मार्केट से कर्जा उठा। दूसरी बात, सरकार के पास मैं 15 लाख करोड़ के हाईवे बना रहा हूँ, मेरा बजट 1,20,000 करोड़ है, मैं मार्केट से ब्याज से पैसे उठा रहा हूँ, मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो आपको अगर देखो, इफ़ यू वॉन्ट गुड सर्विसेज वी हैव टू पे फॉर इट। अभी मैं ये हॉल में बैठा हूँ, या AC लगा हुआ है, स्टेज अच्छा है, बोलने वाले बहुत अच्छे हैं, इनको सबको पैसे दिए। अगर फुकट में करना रहता तो मैं वो लॉन पे बैठता और विदाउट लाउड स्पीकर आपको भाषण देता। पर जब अच्छी सर्विस चाहिए, चाय पानी नाश्ते से लेकर सब बढ़िया चाहिए, तो इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर। सिर्फ यही नहीं, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब गडकरी से ऐसा ही सवाल हुआ तो फिर उन्होंने कुछ ऐसा ही जवाब दिया। पहली बात तो ये टोल फ्री आप कभी मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि मैं झूठ बोलने वाले में से नहीं हूँ। तो मैं क्षमा मांगूंगा आपसे, ना मैं आपका काम कभी कर पाऊंगा और ना हो सकता। आपकी हर पत्रकार वार्ता के अंदर में हर पत्रकार एक बात पूछता है कि टोल टैक्स पे पत्रकारों को टोल फ्री क्यों नहीं किया जाता? मंत्रियों के लिए फ्री है, अधिकारियों के लिए फ्री है, तो पत्रकारों के इससे अलग क्यों किया जा रहा है? पहली बात तो ये टोल फ्री आप कभी मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि मैं झूठ बोलने वाले में से नहीं हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जब पॉलिसी बनी तब उसमें से कुछ आए। अभी क्या है, मेरे पास स्वतंत्र संग्राम सैनिक की एप्लीकेशन है, फिर मेरे पास विद्यार्थी जो पढ़ते उनकी एप्लीकेशन है, सब मुझे ये पत्रकारों की। हमारे देश में ये जो फर्स्ट क्लास है फुकट क्लास, इसकी संख्या एक के पीछे और कैटेगरी बढ़ती जा रही है। मैं अगर पेंडोरम बॉक्स खोल दूँ तो आपके साथ फिर और मेरे सामने अनेक लोग आएंगे। तो मैं क्षमा मांगूंगा आपसे, ना मैं आपका काम कभी कर पाऊंगा और ना हो सकता। गडकरी का तो साफ कहना है कि वो फोकट क्लास का समर्थन नहीं करते, लेकिन आप गडकरी के इस बयान का कितना समर्थन करते हैं कमेंट करके जरूर बताइए।